बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ ही जाती हैं। एक्ट्रेस की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और बेबाकपन कई बार उन्हें भारी पड़ जाता है और वो बुरी तरह से ट्रोल भी हो जाती हैं। स्वरा एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी है। अभी हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर की है जिसे देख सभी एकदम चौंक गए हैं। दरअसल वीडियो में स्वरा ने अपनी गुपचुप कोर्ट मैरिज का खुलासा किया है जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि इसी साल 6 जनवरी को एक्ट्रेस ने सपा नेता फहाद अहमद के साथ कोर्ट मैरिज की थी जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने अब सोशल मीडिया के थ्रू कर दी है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद स्वरा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल वीडियो में जिस शख्स को वो अपना हमसफर बता रही हैं, उसे उन्होंने कुछ ही दिनों पहले अपना भाई बताया था। स्वरा का एक पुराना ट्वीट भी इसके साथ काफी वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस का ये ट्वीट 2 फरवरी का है जिसमें वो फहाद को उनके जन्मदिन की बधाई दे रही हैं, साथ ही शादी करने की सलाह देते हुए भाई भी कह रही हैं। एक्ट्रेस अपने ट्वीट में लिखती हैं, जन्मदिन मुबारक फहाद मियां, भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, खुश रहो, आबाद रहो, उम्र हो रही है अब शादी कर लो। अब फहाद को पहले भाई बोलना फिर कोर्ट मैरिज हो जाने की अनाउंसमेंट कर देना तो ट्रोलर्स को न्योता देने वाली बात है। इसी पर एक्ट्रेस अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं। ट्रोलर्स का कहना है कि इसी का भाई इसी की जान। वहीं कई लोग इसे लव जिहाद से भी जोड़ रहे हैं।